सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। आगे जो हमने 16.2 के 5 क्वेश्चन कर लिए थे, अब आपने मैंने 3 क्वेश्चन लिखे, 6वां, 7वां, 8वां 3 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आप जो आपका 6ठा क्वेश्चन है जो हल कर रहे थे, क्या है 6ठा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ लिया उसको। फर्स्ट में पूरे उतार दिया, मैंने एक एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ साथ साथ में, वो भी हल करें और करते रहे साथ साथ में। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेमी स्क्वायर है तथा ऊंचाई 15 सेमी है, आयतन ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्र क्या दे रखा आपको, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, तो आप लिखोगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपके पास कितना बता रखा है, 600 सेमी स्क्वायर बता रखा है। आपके पास ऊंचाई है, ऊंचाई क्या देखिए, एच का मान 15 सेमी दिया हुआ है, तो आपको क्या चाहिए, 2πrh = 600। वक्र का सूत्र क्या होता है, 2πrh, जो सूत्र है उस नीचे लगा दीजिए इसके, 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर और एच का मान 15 = 600, कितना बता रखा था आपको, 600 सेमी स्क्वायर। तो लिख देंगे 600, पक्षांतरण करोगे तो आर बराबर 600 × 7 और 22 × 15, ये नीचे आ जाएगा। अब जो संख्या हद हो रही है हल कर दीजिए, तो ये संख्या आपकी कट रही है, कितने से कट रही है देखो, 2 × 1 = 2 और ये भी आ जाएगा साथ में, और संख्या जो कट रही है उसको हल करके आगे उसका मान रख देंगे, ये क्या आ जाएगा आपके पास, त्रिज्या का मान आ जाएगा, और त्रिज्या का मान आके बाद में आप पहले कर लोगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपके पास 660 है, कितना है 660। अब इसको हल करोगे तो आप हल कर सकते, देखो 22 को इनसे 3 बार जा सके, 22 × 6 = 36, 30 बार गया, 2 से 15 बार गया, 15 से 15, तो आर का मान कितना आ गया आपके पास, 7 सेमी आ गया। ज्ञात क्या करना है, आयतन, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, तो आयतन का सूत्र हो गया πr², पाई का मान 22/7, आर का मान 7 × 7 × 15, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब इन सभी को इंटू करके आप उत्तर लिख दोगे और हल हो जाएगा, तो 22 को 7 से 7 को बाद में किससे गुणा करना है, 15 से, जैसी स्थिति में आपके आंसर 2300 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। आयतन किस में आता है, स्क्वायर में आता है, क्यूब में, क्यूब में आयतन किस में आ जाएगा आपके पास, क्यूब में आ जाएगा। हो गया 6ठा क्वेश्चन, सरल सा क्वेश्चन था एकदम, तो फिर त्रिज्या ज्ञात करके बाद में करना है। आगे लेते हैं हमें इसका कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 7, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 7, और जो 7वां क्वेश्चन आपको क्या लिखे हैं, एक बेलन का आयतन 30 सेमी स्क्वायर है, एक बेलन का आयतन क्या है आपके पास, 30 सेमी स्क्वायर है, दिखाई दे रहा है ना पूरा, 30 सेमी स्क्वायर है, और आधार का क्षेत्रफल 6π सेमी स्क्वायर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको क्या दे रखे हैं, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना दिया आपको, 30 सेमी स्क्वायर, 30 आयतन क्यूब में नहीं आता, क्यूब आता है 30 सेमी क्यूब, और जिसका सूत्र हो गया πr² = 30। आप इनके बाद क्या पूछा, आपको क्या देखे, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्र, और जो आधार का क्षेत्रफल आपको क्या दे रखा है इसके अंदर, 6π सेमी स्क्वायर, क्या दे रखा है, 6π सेमी स्क्वायर दिया हुआ। तो आधार क्या होता है इसका, πr² होता है, आपको आकार बताया था ना, वृत्ताकार होता है, और वृत्ताकार का भाग क्या हो गया, 6π हो गया। अब πr² का मान देखो, पूरा 6π दे रखा है, तो मान लिख देंगे πr² क्या लिख देंगे, 6π × h = 30। आपको एच का मान चाहिए, h = 30, आगे आपके पास क्या था इसके अंदर, पाई भी है, 30 पाई
38 पाई बटा 6 पाई, पाई से पाई, अतः एच का मान क्या आ जाएगा आपके पास 5 सेमी आ जाएगा। उतार ले क्वेश्चन आप, सिंपल सा क्वेश्चन था एकदम। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन संख्या 8, ध्यान से पढ़िए। एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 1650 सेमी स्क्वायर और 660 सेमी स्क्वायर है, तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई। आप क्या करें, एक बेलन का आयतन दे रखा है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो पहले लिख लिया आप एक बेलन का, एक बेलन का आयतन, आयतन का लिखना है 1650 सेमी क्यूब, 1650 सेमी क्यूब, 1650 सेमी क्यूब। तो बेलन के आयतन का सूत्र बताया था, क्या सूत्र हो गया, पाई आर स्क्वायर बराबर 1650। आर भी नहीं, एस नहीं है, इतना ही छोड़ दो। इसके बाद क्या दे रखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 660, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 660 सेमी स्क्वायर, इसको समीकरण 1 मान लो। अब बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लो, से बेलन के आयतन का सूत्र ले लो, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र जो प्रयोग करेंगे तो इनका जो सूत्र होता है 2 पाई आर एस बराबर क्या लगाते हैं हम, 660 लगाते हैं, पता है 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान आर, गुणा एस बराबर 660। अब आपको R और S दोनों के मान नहीं है, तो R गुणा एच बराबर 660, 7 ऊपर चला गया, 2 गुणा क्या आ जाएगा 22। अब इनके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, मान रख दो, या इसको सरल बनाने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, सरल बनाने के लिए ऐसे कर सकते, जैसे एक तरीका ये हो गया, ऐसे काट दो R और S का मान आ जाएगा। और एक तरीका ये हो जाएगा, जैसे आपने इसका मान नहीं रखा, जैसे इसने मान नहीं रखा, टू पार एच आर एच को इस साइड रख लिया आपने और सीधा कर दिया 660 और 2 पाई, क्योंकि जब मान रखेंगे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब आपको 2 से काट सकते हैं, 2 से जब काटोगे तो कितने आ जाएंगे, 330 आ जाएंगे। अब या आर का प्रशांतरण कर दो, या फिर किसका प्रशांतरण कर दो, एच का प्रशांतरण कर दो। जैसे हमने एच का मान लिया, एच का मान लिया, तो एच बराबर क्या हो गया 330 बटा कितना बचा, पाई बचा ना, पाई, और गुणा क्या आ जाएगा इसमें, आर गुणा में भागना आ गया, और समीकरण 2। अब जो एच का मान आएगा वो क्या रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, तो एच का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब आपने एक समीकरण ली है तो एक समीकरण क्या है आपके पास, पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना है 1650 है, प्रश्न मिटा रहा हूं, लिख लिया हमने सभी ने, एच का मान समीकरण 1, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का पाई आर स्क्वायर, और एच का मान क्या हो गया 330 और पाई गुणा आर बराबर 1650। देखो पाई से पाई, आर से आर, तो आपके पास बचा क्या, आर गुणा 330 बराबर 1650 बच गया, 1650 बच गया। अब इनके बाद आपको क्या करना है, आर का मान आपके पास आ गया, तो आप अक्षांतर करो, R बराबर 1650 बटा 330, 100 से 100 और 33 का जब 5 बार खड़ा बोलते हैं 5 सेमी, तो R का मान 5 सेमी। R का मान आप पाई आर स्क्वायर एच में रख लो, चाहे 2 पाई आर एच में रख लो, किसका मान आ जाएगा आपके पास, H का मान आ जाएगा। तो इसको समीकरण 2 मान रखा है, तो R का मान H बराबर मान रखा है ना आपने, R का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 क्या बने, एच बराबर बना रहे की एच का मान चाहिए, एच बराबर 330 22 बटा 7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, और गुणा आर, और आर के स्थान क्या लिख लेंगे 5 लिख लेंगे, आर के स्थान क्या लिख लेंगे 5 लिख लेंगे। आगे संख्या कट रही है काट दो, नहीं कट रही इतनी छोड़ दो, 0 है लास्ट में, 5 का बाद पूरा पूरा जाएगा इसके अंदर, 5 एक 5, 5 गुणा 10 कितने बच गए इसके अंदर, 13, 30 बच गया, 5 सेकंड 30,
पहले पांच का भाग दिया तो पांच से तीस छह बार चला गया, तीस बचा छियासठ बार हो गए। एस बराबर 22 को तीन बार काट दो तो 3 × 7 बराबर कितने आ गए 21। 3 × 7 बराबर कितने आ गए आपके पास 21 सेमी। अतः एस का मान 21 सेमी और आर का मान क्या आ जाएगा 5 सेमी आ जाएगा। आगे आ गए समझ में सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन काम में लेते हम। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है? एक बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या क्रमशः 7.5 सेमी और 3.5 सेमी है, ताले क्या करोगे? देखो ध्यान से, क्या हो गया? बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई कितनी बताई आपको? 7.5 सेमी। बाल क्या बता रहा है आपको? त्रिज्या, त्रिज्या बता रहा है 3.5 सेमी। अब क्या पूछा है? दोनों का क्षेत्रफल अनुपात ज्ञात कीजिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का लिख लो आप, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है इसका? संपूर्ण पृष्ठ में जल्दी करने का तरीका देखो, क्षेत्र अनुपात, अनुपात कैसे लगा लो, बाद में बेलन का क्या लेना है आपको? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना। तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 2πr r + h, और बेलन का होता है 2πr h, ये सूत्र होता है। अब अनुपात भी क्या है? एक भाग होता है, भाग इधर ग्रेड करते हैं तो 2πr से 2πr एक जैसे, त्रिज्या और h एक जैसे दोनों की, तो ये r प्लस एच बचा नहीं साइड, इसको इस साइड कुछ नहीं बचा, तो r प्लस एच बराबर 7.5 प्लस इस साइड क्या आ गया 3.5 आ गया, 3.5 अनुपात, यहां से क्या बचा एच बचा 2πr तो काट दिया, तो एच का मान क्या आपके पास 7.5 है। 7.5 और 3.5 जोड़ दो, 7 × 10 = 11.0 अनुपात 7.5। इस साइड भी एक संख्या वन पॉइंट है, इस साइड भी एक संख्या वन पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो ये लिख सकते हैं 110 अनुपात 75। अब देखते हैं पांच के पड़े से एक संख्या कट रही है, तो 22 बार गया भाग पांच का भाग गया, इसमें पांच का भाग गया कितनी बार गया? 15 बार गया, अतः आपके आंसर कितने आ गए? 22 अनुपात 15 आंसर, कितने आंसर आ गए? 22 अनुपात 15 आंसर आ गए। सुना गया, हो गया टोटल उसमें 13 सवाल है, तो हमने 9 सवाल कर लिए हैं। अगले दिन तैयार है हमारे अगली क्लास के अंदर, आगे जो पूरे सवाल नेक्स्ट सवाल कराने वाले आपको सुन आ गया, तो वीडियो को लाइक करें, बताइए कि हमारे समझ में आ गया है। धन्यवाद सभी को।